दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे पेट के दर्द के बारे में। पेट में दर्द हो तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी दवाएं किन किन सिम्टम के आधार पर ली जाती हैं, आज हम इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों पेट दर्द का कारण क्या होता है? एक जनरल जो कारण होता है वो होता है पेट में गैस का बनना या पेट साफ न होना, जिसकी वजह से पेट में गैस बनी हो। इसके अलावा पेट के अंदर में और कई सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, या कहिए कि कारण ऐसे कई सारे होते हैं जिसकी वजह से पेट के अंदर दर्द होता है। एक कारण ये होता है कि जब पेट के अंदर में कोई गैस बनी हो, दूसरा कारण ये होता है कि पेट साफ न हुआ हो, तीसरा कारण ये होता है कि पेट में कोई लीजन हो, कहीं पर कोई घाव हो, कोई अल्सर हो सकता है, या फिर इसके अलावा पेट में कोई ट्यूमर हो या कोई और दूसरी बड़ी बीमारियां हो, जस्ट लाइक ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर की तरह की कोई बीमारी जिसकी में घाव या ट्यूमर या सार्कोमा इस टाइप की कोई डेवलपमेंट हो गई हो, तो उन सारी चीज़ों की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेट के दर्द का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि लीवर, स्प्लीन या जो मेन ऑर्गन्स हैं पेट के अंदर में, उनमें सूजन हो जाए, इसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं पेट में दर्द के। अब हम बात करते हैं कि पेट में दर्द के कारण के साथ साथ में उसका निवारण क्या होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि किस आधार पे दवा हमको देना चाहिए या क्या सिम्टम्स हमको दिखते हैं। अब पेट के दर्द की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो पेट के दर्द की एक बहुत अच्छी दवा है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ उस दर्द की दवा है जिसमें क्रैम्पिंग पेन हो, मतलब मरोड़ जैसा दर्द हो, पेट जैसे स्क्वीज कर जाता हो, निचोड़ लिया जाता हो, क्रैम्पिंग हो, मरोड़ जैसा दर्द हो पेट के अंदर में, तो वहाँ पे कोलोसिंथ बहुत अच्छा काम करती है। और ये देखा जाए तो कोलोसिंथ कहीं पे भी, अगर क्रैम्पिंग पेन है, अगर वाली आपके पैर में भी है क्रैम्पिंग पेन, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आराम मिलता है। अब इसमें किस सिम्टम पे इसको हम यूज़ करेंगे ये समझ देते हैं। कोलोसिंथ का इस्तेमाल दोस्तों वहाँ पे किया जाता है जब मरोड़ जैसा दर्द हो, साथ में दबाने पे पेशेंट को आराम मिलता हो, दबाने पे और गर्म सिकाई पे आराम मिलता हो, जिसमें ज़्यादातर दबाने पे आराम मिलता है, गर्म सिकाई पे भी आराम मिलता है, लेकिन ये सिम्टम कम प्रोमिनेंट है इस मेडिसिन में। इसका ठीक सिम्टम के आधार पे जस्ट इक्वल है, लेकिन सिम्टम के आधार पे थोड़ा सा विपरीत है मैकफॉस। मैकफॉस में क्या होता है कि वहाँ पे भी पेशेंट को तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन पेशेंट को दबाने पे आराम मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा आराम गर्म सिकाई पे मिलता है। कोलोसिंथ के बारे में मैंने क्या बताया, कोलोसिंथ में जो दर्द में आराम मिलता है वो दबाने पे ज़्यादा आराम मिलता है, गर्म पे होता है, लेकिन ये सेकेंड ग्रेड का सिम्टम है कोलोसिंथ के अंदर में। जबकि मैकफॉस में फर्स्ट ग्रेड का सिम्टम है गर्म से आराम मिलना, और सेकेंड ग्रेड का सिम्टम है दबाने से आराम मिलना। तो हार्ट प्रेशर से आराम उसमें भी है, इसमें भी है, गर्म पानी से उसमें भी आराम है, गर्म सिकाई से या गर्म पानी से उसमें भी आराम है, इसमें भी आराम है, लेकिन ग्रेड का अंतर हो जाता है दोस्तों। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये हमको ध्यान देना है कि अगर पेट के अंदर दर्द है गैस की वजह से या जिस भी कारण से दर्द है, क्रैम्पिंग पेन है, दबाने से पेट में आराम मिलता है पेशेंट को, और गर्म सिकाई करने पे भी आराम मिलता है, तो वहाँ पे हम कोलोसिंथ या मैकफॉस सिम्टोमेटिक जो उसका ज़्यादा प्रोमिनेंट हो उस आधार पे दे सकते हैं, उससे आराम मिलेगा। इसके अलावा जब पेट के दर्द में क्रैम्पिंग पेन हो रहा हो, वहाँ पे एक सिम्टम और हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब जो कोलोसिंथ का पेशेंट होता है वो बिल्कुल आगे की तरफ बेंड हो जाता है, आगे झुक जाने पर जितना ही झुकता है, जितना ही पेट को दबाता है उतना ही उसको आराम मिलता है। ये भी एक बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम है बेंडिंग डबल का, इसको बोलते हैं बेंडिंग डबल, मतलब पेशेंट बेंड कर जाता है आगे की तरफ, तो उसमें आराम मिलता है। अब यहीं पे पेशेंट अगर पेट में दर्द हो और क्रैम्पिंग पेन हो और पीछे की तरफ झुके, पीछे की तरफ तो आराम मिले, तो वहाँ पे दिया जाता है डायस्कोरिया दोस्तों। उसकी बेस्ट मेडिसिन है डायस्कोरिया, तो उस कंडीशन में डायस्कोरिया देना है, आगे की तरफ झुकने पर आराम मिलता है तो कोलोसिन देना है, पीछे की तरफ क्रैम्पिंग पेन में आराम मिल रहा है या किसी भी पेन में आराम मिल रहा है पीछे की तरफ बेंड होने में, तो वहाँ पे डायस्कोरिया विल्लोसा बोलते हैं, ये देना है। यह आप 200 पोटेंसी देते हैं कोलोसिंथ में भी और
डायस्कोरिया में भी और मैकफॉस में भी। तो 200 पोटेंसी अच्छा काम करती है, सुबह दोपहर शाम या फ्रीक्वेंटली जैसे आवश्यकता हो। अब दोस्तों जैसे हमने बताया कि दबाने पे पेशेंट को आराम मिलता है, अब दबाने पे पेशेंट को आराम मिलता है तो इसमें एक मेडिसिन और आती है, दबाने पे छूने पे पेशेंट को तकलीफ बढ़ जाए और तेज़ दबाने पे आराम मिले, वहाँ पे आती है चाइना, जिसको हम लोग सिंकोना ऑफिसिनेलिस भी बोलते हैं। इसकी भी 200 पोटेंसी यूज़ करिए, बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को जब हल्का सा छूता है तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन जब तेज़ दबाता है तो आराम मिलता है। ये बहुत बड़ा सिम्टम है सिंकोना ऑफिसिनेलिस या चाइना का, ठीक है। अब चाइना के और भी सिम्टम्स होते हैं, चाइना के पेशेंट को गैस बनती है, वो पूरे पेट के अंदर में होती है, न ऊपर से निकलती है न नीचे से निकलती है, और हल्की फुल्की निकलती है तो उससे आराम नहीं मिलता है। तो ये खास सिम्टम होता है चाइना का। जब भी हम रात में भोजन कर लेते हैं या कोई ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे पेट में अंदर गैस बनी हुई हो, न बाहर निकल रही हो न ऊपर निकल रही हो, छूने पे पेशेंट को तकलीफ हो रही हो, तेज़ दबाने पे पेशेंट को आराम मिल रहा हो और चूहन की तरह दर्द हो रहा हो या मीठा मीठा दर्द हो रहा हो, तो वहाँ पे चाइना बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अगर ऐसे कंडीशन में जबकि गैस नीचे से निकल रही हो तो आराम मिल रहा हो, पेट के अंदर दर्द हो, तो वहाँ पे देते हैं लाइकोपोडियम, और पेट के अंदर दर्द है और डकार आने पे पेशेंट को आराम मिल रहा हो, वहाँ पे देते हैं कार्बोवेज, ठीक है। इन दोनों का आप 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों पेट में अगर क्रैम्पिंग पेन है तो वहाँ पे क्यूप्रामेट भी अच्छा काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी यही बातें पेट के अंदर जब दर्द हो और जनरली जनरल चीज़ों की वजह से हो, मतलब कि अच्छा ये जो पेट के अंदर दर्द है ये जनरल चीज़ों की वजह से, मतलब ये कि जैसे गैस हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा, गैस बन रही है, इन चीज़ों में तो काम आता ही आता है। चूँकि होम्योपैथी सिम्टोमेटिक काम करती है तो ये अगर किसी और भी बीमारी की वजह से अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो वहाँ पे भी ये काम करेगी। सिर्फ हमको ये नहीं सोचना है कि बस गैस में ही ये काम करेगी, अदर कोई बीमारी हुई तो उसमें काम नहीं करेगी, नहीं दोस्तों, किसी भी बीमारी की वजह से अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो वहाँ पर ये दवा काम करेगी। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। और इसके जो बेसिक सिम्टम है जो कि मैंने आपको बताया, जो मेन सिम्टम है आपको समझ में आ गया होगा, सबको मैंने डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। तो ये बड़ा काम का है, इसको आप यूज़ करिए, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो पेट के दर्द से संबंधित तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।